नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पूरी तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और स्थानीय जनता को विकास योजनाओं की सौगात देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के दो दिवसीय दौरे पर पहुँचे हुए थे और शनिवार की सुबह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो असम के काजीरंगा जंगल सफारी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया है और हाथी पर बैठकर जंगल सफारी में फोटो भी खींचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। हम आपको बता दें कि असम के दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री गए हुए थे और रात्रि विश्राम भी जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री ने किया था और शनिवार की सुबह वो जंगल सफारी करने के लिए निकल गए और हाथी पर सवार होकर उन्होंने जानवरों को दिखा। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वहां की तस्वीरों को पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर और पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि यह एक ऐसी जगह है जहां की हर यात्रा आत्मा तृप्त कर देती है, यह आपको असम के दिल की गहराई से जोड़ता है, इस नेशनल पार्क में सबको आना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए इन बातों को लिखा है। हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के इसके बाद जो है प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। शुक्रवार की शाम को वो तेजपुर पहुंचे थे और रात में काजीरंगा नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस में रुके। हम आपको बता दें अगर इसके नेशनल पार्क की बात करें तो 1974 में इस नेशनल पार्क को का इस जगह को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और ये नेशनल पार्क जो है वो गोल्डन जुबली अपना इस वर्ष मना रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री असम के दौरे के दौरान इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे हुए थे। और इस नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यहां पर 1000 से ज़्यादा हाथी और गैंडे जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहां पे बंगाल टाइगर भी है, जिसकी वजह से इसे टाइगर रिजर्व का भी इस नेशनल पार्क को दर्जा मिला है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इसके साथ ही असम के साथ के दौरे के बाद अरुणाचल प्रदेश पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर वो ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वहाँ की जनता को विकास योजनाओं की सौगात दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम जो है पूर्वांचल पहुंचेंगे, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री देश के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री शनिवार की देर शाम जो है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुँचेंगे और वाराणसी में आज उनका लगभग 30 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो होने वाला है। वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, बाबा कालभैरव के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वो अगले दिन यानी रविवार को वाराणसी से सटा हुआ जो जिला है आजमगढ़, वहां पे जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की को जीत दिलाने के लिए और बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार का, उस नारे को बल देने के लिए, उस नारे को सत्यता में बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरे तरीके से अपने ऊपर जिम्मा उठा लिया है और देश के अलग अलग इलाकों में जाके पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।